गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन अपनी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। ठीक है, साइकेट्रिक का एक मेजर डिसऑर्डर है, ठीक है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिसके बारे में आज अपन कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, या जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको अपन अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे कि जो किसके अकॉर्डिंग, अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिफिकेशन, इंडियन क्लासिफिकेशन यानी जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको अपन ने किसके अंदर क्लासिफाई कर रखा था, इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन उसकी क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको तीन कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कौन कौन से, जैसे साइकोटिक, सेकेंड न्यूरोटिक, ठीक है, और अदर डिसऑर्डर्स, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं स्पेसिफिक, स्पेशल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है इनको भी फर्दर तीन कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, किस किस के अकॉर्डिंग, किस किस के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक तो फर्स्ट फंक्शनल, ठीक है, मूड अफेक्टिव, फंक्शनल मूड अफेक्टिव, ठीक है, और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, ठीक है, किसको, साइकोटिक, साइकोटिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको तीन कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है, फर्स्ट फंक्शनल, मूड अफेक्टिव और ऑर्गेनिक। ठीक है, तो जो सिजोफ्रेनिया है अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिफिकेशन, इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सिजोफ्रेनिया है वो किसके अंदर आएगा, साइकोटिक डिसऑर्डर है, और साइकोटिक में भी किसके अंदर आता है, फंक्शनल, ये जो फंक्शनल है, ठीक है, फंक्शनल डिसऑर्डर, इसके अंदर कौन सा आता है, सिजोफ्रेनिया आता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं सिजोफ्रेनिया कैसा डिसऑर्डर है, तो अपन बोल सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया इज़ ए फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया इज़ ए फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अगर इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूछें कि सिजोफ्रेनिया क्या है तो क्या बोलेंगे, सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो सिजोफ्रेनिया वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, इतना आपको याद रखना है। जो सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, इसको दो भागों के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, दो वर्ड के अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं, यानी जो सिजोफ्रेनिया है वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड है उसको टू पार्ट के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, एक तो कौन सा, सिजो, और सेकंड है फ्रेनिया। सिजो का मीनिंग क्या होता है, सिजो का मतलब क्या होता है, स्प्लिट, क्या होता है, स्प्लिट। ठीक है, और जो फ्रेनिया है, फ्रेनिया का मीनिंग क्या होता है, माइंड। ठीक है, स्प्लिट, स्प्लिट अपन किसे बोलते हैं, स्प्लिट का मतलब क्या है कि अल्ट्रेशन आना या ब्रेकडाउन होना, टूटना, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिट, या अपन बोल सकते हैं अल्ट्रेशन होना, किसी भी चीज़ के अंदर ब्रेक होना, या अपन बोल सकते हैं अल्ट्रेशन आना, क्या होना, चेंजेस होना, उसे तो क्या बोलेंगे, स्प्लिट। ठीक है, और माइंड कहाँ पे, जो माइंड है, माइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फंक्शंस है,
ठीक है, उनके अंदर या अपन बोल सकते हैं जो फंक्शंस हैं उनके अंदर क्या आना, अल्ट्रेशन आना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया। ठीक है, अल्ट्रेशन माइंड का मतलब, माइंड के अंदर अल्ट्रेशन आएगा, इसका मतलब क्या अफेक्ट होगा, बिहेवियर, यानी पर्सन का क्या अफेक्ट होगा, बिहेवियर। ठीक है, तो अगर पर्सन के बिहेवियर के अंदर क्या, माइंड के अंदर चेंजेस होने की वजह से, ठीक है, यानी क्या आ रहा है, अल्ट्रेशन होने की वजह से पर्सन का क्या अफेक्ट होता है, बिहेवियर अफेक्ट होता है। ठीक है, उसी अपन क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। ठीक है, तो जो सिजोफ्रेनिया है वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसको दो पार्ट के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड, ठीक है, दो वर्ड के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक सिजो, सेकंड कौन सा है, फ्रेनिया। सिजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का मीनिंग होता है माइंड। ठीक है, स्प्लिट का मतलब क्या है, अल्ट्रेशन होना या ब्रेकडाउन होना, टूटना, ठीक है, किसी भी चीज़ का टूटना। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि माइंड के अंदर क्या आ रहा है, अल्ट्रेशन, जिसकी वजह से कि पर्सन के बिहेवियर के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो वर्ड है सिजोफ्रेनिया, ठीक है, ये फर्स्टली कब दिया गया था, तो फर्स्ट कब दिया गया था, फर्स्टली कॉइन्ड बाय, कॉइन कब दिया गया था, 1908 के अंदर। ठीक है, 1908 के अंदर ये जो वर्ड है दिया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था, एक साइंटिस्ट है यूजेन ब्लूलर। ठीक है, बाय, साइंटिस्ट का नाम क्या है, यूजेन ब्लूलर, क्या नाम है, यूजेन ब्लूलर। ठीक है, इनके द्वारा ये वर्ड दिया गया था। ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं, स्विस के, स्विस के क्या है, साइकेट्रिस्ट हैं। ठीक है, स्विस के क्या है, साइकेट्रिस्ट हैं, जिनका नाम है यूजेन ब्लूलर, इनके द्वारा ये वर्ड दिया गया था सिजोफ्रेनिया। कब दिया गया था, 1908 के अंदर, 1908 के अंदर दिया गया था। ठीक है, ये जो सिजोफ्रेनिया, तो ये हुआ इसके, इसका कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सिजोफ्रेनिया है वो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बाद। जो सिजोफ्रेनिया जो वर्ड दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, जो यूजेन ब्लूलर है, ठीक है, साइंटिस्ट है, स्विस के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अगर इनके अकॉर्डिंग अपन इसकी डेफिनेशन देना चाहें सिजोफ्रेनिया की, तो डेफिनेशन क्या होगी कि अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अपन इसकी डेफिनेशन देखें, अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन, अगर इनके अकॉर्डिंग अपन इसकी डेफिनेशन देखें सिजोफ्रेनिया की, तो सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या होगी, तो सिजोफ्रेनिया क्या है, एक ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, क्या है, सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्ट्रेशन इन बिहेवियर, अल्ट्रेशन इन बिहेवियर अफेक्ट या इमोशन एंड थिंकिंग, इट्स नोन एज सिजोफ्रेनिया। उसे क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया। अगर अपन किसके अकॉर्डिंग देखें
अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अपन सिजोफ्रेनिया की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिजोफ्रेनिया क्या होते हैं, सिजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, यानी मेंटल डिसऑर्डर का क्या है, ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर करेक्टराइज्ड बाय अल्ट्रेशन, किस किस चीज़ के अंदर अल्ट्रेशन आएगा, बिहेवियर यानी पर्सन के बिहेवियर के अंदर, अफेक्ट या अपन बोल सकते हैं इमोशन के अंदर, और थिंकिंग, इन सब के अंदर क्या आ रहा है, अल्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है। इन सब का क्या है, ग्रुप है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई किसके अकॉर्डिंग, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। अगर अपन किसके बारे में बात करें, WHO के अकॉर्डिंग बात करें, ये तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, अगर अपन यही डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग अपन सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन देखें तो सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या होगी, सिजोफ्रेनिया इज ए कौन सा होगा इसके अंदर, अगर WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो अपन इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सिजोफ्रेनिया क्या है, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, कैसा है, इज ए फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर करैक्टराइज्ड इन इन अल्ट्रेशन। अब इसके अंदर किस किस के अंदर अल्ट्रेशन आएगा, इन अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, ठीक है, एक तो कौन सा होगा, थिंकिंग होगा, इसके साथ साथ में मूड, थिंकिंग मूड, ठीक है, बिहेवियर मोरी विदाउट चेंजेस इन कॉन्सियसनेस, विदाउट चेंजेस इन कॉन्सियसनेस इट्स नॉन एज सिजोफ्रेन। इसे अपन क्या बोलेंगे, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो अगर अपन बात करें किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन की बात करें सिजोफ्रेनिया की, तो डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन ने देखा था, इंडियन क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग अब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जितने भी साइकेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, साइकोटिक, न्यूरोटिक, ठीक है, उसके अंदर, इसके अलावा अदर, ठीक है, इसके अंदर भी, इसको भी तीन क्लास, तीन कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा था, डिवाइड, जिसके अंदर फर्स्ट था फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल मूड, ठीक है, इस तरह से इसको तीन भागों के अंदर क्या कर रखा था, डिवाइड, और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जो फंक्शनल था, फंक्शनल था, उसे ही अपन क्या बोल रहे थे, इसके अंदर आ रहा था जो सिजोफ्रेनिया, वो किसके अंदर आ रहा था, जो फंक्शनल डिसऑर्डर है उसके अंदर, ठीक है। तो इन WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगी, सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, क्या होगा, सिजोफ्रेनिया को अपन क्या बोलेंगे, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है, करेक्टराइज इन अल्ट्रेशन इन थिंकिंग। इसके अंदर किस किस किन किन चीज़ों के अंदर अल्ट्रेशन आएगा, थिंकिंग के अंदर, पर्सन की थिंकिंग है वो अफेक्ट होगी, अल्टर्ड होगी, मूड अफेक्ट होगा, बिहेवियर अफेक्ट होगा, मेमोरी अफेक्ट होगा, विदाउट चेंजेस इन कॉन्सियसनेस, यानी बिना किस कॉन्सियसनेस के अंदर, बिना किसी चेंजेस के क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सिजोफ्रेनिया, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग। और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या होगी डेफिनेशन, सिजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी सिजोफ्रेनिया क्या है, एक मेंटल ग्रुप है, किसका, मेंटल डिसऑर्डर्स का, जिसके अंदर क्या क्या अल्ट्रेशन होगा, बिहेवियर अफेक्ट, इमोशंस अफेक्ट या इमोशन, थिंकिंग, और थिंकिंग, इट्स नोन एज
सिजोफ्रेनिया, उसको अपन किस नाम से जानेंगे, सिजोफ्रेनिया के नाम से जानेंगे। तो ये थी इनकी डेफिनेशन दोनों की, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन और अकॉर्डिंग टू WHO, ये डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके प्रिविलेंस के बारे में। अगर अपन इसके प्रिविलेंस की बात करें, प्रिविलेंस, ठीक है, अगर अपन इसके प्रिविलेंस की बात करें कि जो सिजोफ्रेनिया के कितने केसेस आ रहे हैं, ठीक है, अगर अपन बात करें टोटल एडमिशन की, अगर अपन बात करें किसकी बात करें, टोटल एडमिशन इसके अकॉर्डिंग, अगर टोटल एडमिशन यानी सिजोफ्रेनिया के या साइकेट्रिक डिसऑर्डर के जितने भी जो एडमिशन हो रहे हैं, टोटल जितने भी एडमिशन हो रहे हैं उसके 15% कितने परसेंट, 15% जो केसेस हैं वो किसके हैं, सिजोफ्रेनिया के, किसके हैं, सिजोफ्रेनिया, यानी जितने भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर जितने भी एडमिशन्स हो रहे हैं, ठीक है, उन एडमिशन में से 15% जो केसेज हैं वो किसके हैं, सिजोफ्रेनिया के। ठीक है, अगर अपन इसकी एज ग्रुप की बात करें कि कौन से एज ग्रुप के अंदर ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो अगर एज की बात करें, एज ग्रुप की, तो 15 to 25 years of age, 15 से 25 साल की उम्र के जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एज के अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ये बन सकते हैं कि सेक्स के अकॉर्डिंग किसके अंदर ज़्यादा होगा, यानी मेल एंड फीमेल, अगर इनकी रेशियो की बात करें, मेल एंड फीमेल रेशियो की बात करें, तो किसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये दोनों के अंदर ही क्या होगा, इक्वल, यानी एक अगर 100 में से एक मेल अफेक्ट हो रहा तो एक फीमेल भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। ठीक है, तो इनका रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, और ये जो कंडीशन है सिजोफ्रेनिया वो ज़्यादातर किन लोगों के अंदर देखने को मिलेगी, जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्रिविलेंस की अगर अपन बात करें कि कितने केसेस सिजोफ्रेनिया के ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो हॉस्पिटल्स के अंदर जितने एडमिशन हो रहे हैं टोटल एडमिशन उसके 15%, ठीक है, केसेज वो किसके, सिजोफ्रेनिया के आपको देखने को मिलेंगे। अगर एज की बात करेंगे कौन से एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा होता है, तो 15 से 25 एज ग्रुप के अंदर सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। सेक्स की बात करें कि किन के अंदर ज़्यादा होता है, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, तो दोनों का रेशियो कैसा है, सेम है, यानी दोनों के अंदर ही, अगर दोनों ही क्या होते हैं, सेम ही अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इस कैटेगरी वाले लोगों के अंदर। ठीक है, ये हुई इसके प्रिविलेंस के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एटियोलॉजी के बारे में, प्रिविलेंस, एटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं, कारण हैं, जिनकी वजह से सिजोफ्रेनिया या होता है। अगर अपन इसके कॉजेज की बात करें या एटियोलॉजी की बात करें, ठीक है, एटियोलॉजी, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं तो उनका जो एग्जैक्ट एटियोलॉजी है वो तो कैसा होता है, अननोन, एग्जैक्ट तो अपन नहीं बता सकते, ठीक है, एग्जैक्ट ईटियोलॉजी है वो तो कैसा होता है, अननोन, अपन एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि इस कारक की वजह से या इस कोज की वजह से ये क्या हुआ है, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अपन कुछ
रिस्क फैक्टर्स के बारे में अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो लोग हैं उनके अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर अपन बायोलॉजिकल कोज की बात करें, कोज ठीक है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात करें, यानी कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर अल्ट्रेशन आने की वजह से सिजोफ्रेनिया होता है, तो अगर बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ जाए, सॉरी ब्रेन के अंदर अगर किसका जो न्यूरॉन है वहाँ पे किसका लेवल बढ़ जाए, अगर डोपामाइन का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इंक्रीज डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर लेवल अगर डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका लेवल अगर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कोज करता है, सिजोफ्रेनिया कोज करता है, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक कोज हो सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक कोज। अगर अपन जेनेटिक कोज की बात करें तो कितने परसेंट इसके अंदर, 10% सिर्फ, कितने 10% क्या होते हैं, रिस्क होता है, चांसेस होता है कि क्या हो सकता है, जेनेटिक कोज हो सकता है। इसके अलावा अगर आईक्यू लेवल कैसा है, लेवल कम है, ठीक है, आईक्यू लेवल कैसा है, लो है, डिक्रीज हो सकते हैं या लो है, आईक्यू लेवल कैसा है, लो है, तो वो भी किसका पेशेंट हो सकता है, सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो सकता है, ठीक है, उसको अंदर भी सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कोज, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन साइकोलॉजिकल कोजेज की बात करें कि साइकोलॉजिकल कोजेज कौन कौन से हैं, जैसे इनके बाद में सेकंड साइकोलॉजिकल कोज, साइकोलॉजिकल कोज, साइकोलॉजिकल कोज के अंदर कौन सा होगा, मैटरनल डेप्रिवेशन, कौन सा होगा, मैटरनल डेप्रिवेशन, यानी जो मैटरनल डेप्रिवेशन है इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। मैटरनल डेप्रिवेशन का मतलब क्या है कि अगर किसकी कमी हो, डेफिशिएंसी हो, कि मदर का जो लव है या अफेक्शन है अगर उसकी क्या हो, बच्चे को कमी हो, बचपन के अंदर मदर का प्यार ना मिला हो, तो उस कंडीशन से क्या होगा, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि पर्सन का बिहेवियर है वो क्या होगा, अफेक्ट हो सकता है, थिंकिंग अफेक्ट होगी, ठीक है, उसकी वजह से मैटरनल डेप्रिवेशन। या अपन बोल सकते हैं कि अगर सेकंड, अगर इसके बारे में मैटरनल डेप्रिवेशन का अगर सेकंड कॉज जैसे अगर मदर की चाइल्डहुड के अंदर ही क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है, बच्चा कब था, कम उम्र के अंदर था, चाइल्डहुड एज के अंदर था, उसी दौरान अगर उसके मदर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो वो भी क्या है, मैटरनल डेप्रिवेशन का कोज है, यानी मदर से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है, मदर का जो प्यार है उस बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक कोज हो सकता है किसका, सिजोफ्रेनिया का, क्योंकि उसके अंदर भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, थिंकिंग अफेक्ट होगी, ठीक है, इमोशंस अफेक्ट होंगे, ठीक है, तो सारे अल्ट्रेशन आएंगे, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, ठीक है। या फिर और कौन सा कोज हो सकता है, जैसे अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट्स और चाइल्ड इन दोनों के जो रिलेशन है वो कैसे हैं, अनहेल्दी रिलेशंस हैं, ठीक है, रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अगर रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, पर्सन है वो जो चाइल्ड है उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर क्या आएगा, चेंजेस आएगा, अल्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो कौन सी सिजोफ्रेनिया के जो चांसेस है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं
क्या हो गया है अगर किसी पर्सन का डाइवोर्स हो गए हैं, डाइवोर्स या अपन बोल सकते हैं ब्रोकन फैमिली, फैमिली ब्रोकन फैमिली या क्या हो गया है डाइवोर्स हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्या आ सकता है न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर चेंजेस आ सकता है, ठीक है, यानी डोपामाइन का जो लेवल है वो क्या हो सकता है यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, तो ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर चेंजेस, तो वो भी क्या करेगा अफेक्ट, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा स्ट्रेस होगा पर्सन को, तो हो सकता है सिजोफ्रेनिया के कॉज के रूप में अपन इसको देख सकते हैं, ठीक है। रिकरेंट चेंज जॉब, अगर बार बार में क्या हो रही है जो जॉब है वो क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या डेवलप हो सकता है स्ट्रेस, ठीक है, अगर स्ट्रेस डेवलप होगा इसका मतलब क्या है पर्सन के माइंड के अंदर क्या आ रहा है चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या अल्टर्ड होगा यहाँ पे बिहेवियर, अगर पर्सन के अंदर बिहेवियर के अंदर क्या आएगा बिहेवियर क्या होगा अफेक्ट होगा, अगर बिहेवियर अफेक्ट होगा तो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और या अपन बोल सकते हैं आवर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड, अगर कैसा चाइल्ड है आवर प्रोटेक्टिंग यानी जिसके माता पिता उसको ज़्यादा ही क्या कर रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी सिजोफ्रेनिया के जो कॉजेज है वो आपको देखने को मिलेंगे, ये कौन से थे साइकोलॉजिकल कॉजेज। तो अपन ने बात की बायोलॉजिकल कॉज, साइकोलॉजिकल कॉज, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड जो कॉज इसके अंदर अपन इंक्लूड करेंगे सोशियो कल्चरल कॉज, सोशियो कल्चरल कॉज, सोशियो कल्चरल कॉज के अंदर कौन कौन से कॉजेज इंक्लूड करेंगे, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पुराने जो लोग हैं वो क्या कर कैसे काम कर रहे थे, जितना भी अपना वर्क था वो कैसे कर रहे थे कॉपी और पेन के साथ में कर रहे थे, अब टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ गया चेंजेस आ गए यानी कंप्यूटर के ऊपर सारा काम होने लग गया, ठीक है, तो उसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या डेवलप हो सकता है स्ट्रेस डेवलप होगा, अगर स्ट्रेस डेवलप होगा तो पर्सन के बिहेवियर के अंदर चेंजेस आएंगे, तो किसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है, या अगर इसके अलावा सोशल कल्चर के अंदर दूसरा अगर अपन कॉज की बात करें जैसे डोमेस्टिक वियोलेंस, डोमेस्टिक वियोलेंस जैसे घरेलू हिंसा, ठीक है, वो भी क्या को क्या करेगा स्ट्रेस डेवलप करेगा पर्सन के अंदर, और जिसकी वजह से पर्सन के अंदर किसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बिहेवियर के अंदर चेंजेस होगा और सिजोफ्रेनिया के, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, और कौन सा हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ हो तो वो भी पर्सन के अफेक्ट करेगा यानी स्ट्रेस होगा पर्सन को, बिहेवियर के अंदर चेंजेस आएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा सारे हैं ब्रेन के जितने भी फंक्शंस हैं वो अफेक्ट होंगे, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं सिजोफ्रेनिया, क्योंकि पर्सन की थिंकिंग अफेक्ट होगी, मूड अफेक्ट होगा, मेमोरी अफेक्ट होगी, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है पर्सन को तो उसके अंदर सिजोफ्रेनिया के आपको जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट, ये तो हो गए कौन से सोशियो कल्चर कॉजेज, नेक्स्ट प्रिसिपिटेटरी
कॉज, प्रिसिपिटेटरी कॉज। प्रिसिपिटेटरी कॉज किसे बोलेंगे कि अगर मान लो, सॉरी, प्रिसिपिटेटरी कॉज किसे बोलेंगे, प्रिसिपिटेटरी कॉज के अंदर क्या होगा, अगर मान लो किसी की क्या हो जाए कॉज के अंदर, इसके अंदर क्या होता है मेनली, जैसे कोई भी क्या हो जाती है डेथ, किसकी, क्लोज रिलेटिव, अगर किसी भी पर्सन के क्लोज रिलेटिव की अगर क्या हो जाए डेथ हो जाए, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, जो अपने इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, डोंट एक्सप्रेस आवर इमोशन, ठीक है, अगर पर्सन के जो इमोशंस हैं वो उनको क्या नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा उसके अंदर, जो उसका बिहेवियर है उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, ठीक है, या अल्टर्ड हो जाएगा, उसके बिहेवियर के अंदर क्या आएगा, अल्टर्ड होगा, ठीक है, अगर बिहेवियर के अंदर क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया। तो कौन सा कॉज, प्रिसिपिटेटरी कॉज है, वो भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सिजोफ्रेनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर क्या हो जाता है, अगर किसी क्लोज रिलेटिव की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है, तो वो पर्सन क्या नहीं कर पाता है, अपने इमोशंस हैं उनको अपने इमोशंस हैं उनको सक्सेसफुल्ली क्या नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या अनेबल होता है, ठीक है। तो अगर अनेबल होता है तो इसका मतलब क्या है, उसके बिहेवियर के अंदर क्या आएगा, चेंजेस आएगा या अल्ट्रेशन आएगा, तो वही किसका कारण है, सिजोफ्रेनिया का कॉजेज है, ठीक है। ये कौन सा हुआ, प्रिसिपिटेटरी कॉज। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉज, फिफ्थ नंबर, परपेक्चुएटिंग कॉज, ठीक है। परपेक्चुएटिंग कॉज के अंदर क्या होगा, जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो अपनी फैमिली से लॉन्ग समय से क्या रह रहा है, दूर रह रहा है, ठीक है, या किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से अपनी फैमिली से क्या है, दूर है, तो उस वो भी क्या है, कॉज है किसका, दूर रह रहा है, तो उसके बिहेवियर के अंदर क्या आएगा, चेंजेस आएगा, अगर चेंजेस आएगा तो वही क्या, किसका कॉज है, सिजोफ्रेनिया का कॉज है, किसके अंदर, परपेक्चुएटिंग कॉज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अपन अदर कॉजेज के बारे में बोल सकते हैं, जैसे इसके अलावा और कौन से कॉजेज हो सकते हैं, जैसे अदर कॉजेज के अंदर जैसे अपन बात कर सकते हैं, जैसे क्या हो, पॉवर्टी हो, ठीक है, क्या हो, पॉवर्टी हो, ठीक है, वो भी किसका है, सिजोफ्रेनिया का कॉज है, ठीक है, हेड इंजरी हो गई हो, ठीक है, अगर ब्रेन के अंदर क्या हो गई हो, इंजरी हो गई हो, तो वो भी अफेक्ट करेगा, तो सिजोफ्रेनिया कॉज होगा, ठीक है, हेड इंजरी, एक्सीडेंट, अगर पर्सन का क्या हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं एट्रोफी हो गई ऑफ ब्रेन, और ब्रेन के अंदर भी कौन से पार्ट की, मेनली फ्रंटल, जो फ्रंटल बोन, सॉरी, ब्रेन लोब, जो फ्रंटल लोब है या ब्रेन है, फ्रंटल ब्रेन की क्या हो जाए, अगर एट्रोफी हो जाए, ठीक है, ब्रेन के अंदर भी कौन सा, फ्रंटल लोब या ब्रेन, ठीक है, आगे वाला जो पार्ट है उसकी अगर क्या हो जाए, एट्रोफी हो जाए, तो वो भी एक किसका कॉज है, सिजोफ्रेनिया का कारण है। तो ये सारे इसके क्या हैं, कॉजेज हैं, ठीक है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अपन बता सकते हैं कि ये क्या कॉज करते हैं सिजोफ्रेनिया के लिए, कैसे हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल कॉजेज के अंदर आपको मेनली ध्यान रखना है डोपामाइन का, जिसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, डोपामाइन का इसके अंदर मेनली ध्यान रखना है। साइकोलॉजिकल कॉजेज के अंदर मैंने आपको बताया, ठीक है, इसके अलावा सोशियो कल्चरल कॉजेज हैं, प्रिसिपिटेटरी कॉजेज, प्रिसिपिटेटरी कॉजेज के अंदर अगर किसी लविंग वन की डेथ हो जाए या क्लोज रिलेटिव की अगर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो पर्सन अपने इमोशंस हैं उनको क्या नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आएगा, तो वही किसका कारण है, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। परपेक्चुएटिंग कॉज का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन है लॉन्ग टाइम से
अपने फैमिली से कैसा है, दूर है, ठीक है। यानी जो मेटरनल डिप्रिवेशन वाली जैसे सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, ठीक है। यानी मदर से क्या है, दूर है, या यहाँ पे तो क्या, उसमें तो क्या हो रहा था, सिर्फ मदर से दूर हो रहा था, यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली से क्या है, दूर है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आएगा, बिहेवियर के अंदर चेंजेस, जिसके वजह से अपन सिजोफ्रेनिया का कॉज मानेंगे। अदर कॉजेज़ की अगर अपन बात करें, जैसे पॉवर्टी है, हेड इंजरी है, एक्सीडेंट है, और एट्रोफी हो जाए अगर ब्रेन की, तो ये सारे इसके क्या हैं, कॉजेज जिसकी वजह से आप सिजोफ्रेनिया को बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सिजोफ्रेनिया के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो कौन क्लासिफिकेशन, जैसे अपन ने इंडियन क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू आईसीडी, ठीक है, आईसीडी के अकॉर्डिंग, ICD-10 जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताए उन सभी का क्या बताया, ICD-10 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बताया। तो सिजोफ्रेनिया का भी ICD-10 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ICD-10 के अकॉर्डिंग सिजोफ्रेनिया को किसके किस चैप्टर के अंदर रखा गया है, F20 से F29 के अंदर क्या रखा गया है, किसको रखा गया है, सिजोफ्रेनिया को रखा गया है, ठीक है। अब जो सिजोफ्रेनिया है उसके बहुत सारे क्या हैं, टाइप्स हैं, यानी इनको अलग अलग क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले F20, यानी F20 के अंदर तो कौन सा है, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करेंगे F20.0, ठीक है, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, ठीक है, 6 तक आपको याद रखना है, ठीक है। इसको क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए आपको एक मैं छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, PHC क्या याद रखना है, PHC UP राजस्थान स्टेट, ठीक है, कहाँ PHC UP राजस्थान स्टेट, ये आप याद कर लेना, तो आपको पूरे जितने भी सिजोफ्रेनिया है वो क्या हो जाए के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं PHC UP राजस्थान स्टेट, ठीक है। पी का मतलब क्या है, पैरानोइड सिजोफ्रेन कौन सा है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। एच का मतलब क्या है, हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है। सी का मतलब क्या है, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है। यू का मतलब क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, पोस्ट सिजोफ्रेनी डिप्रेशन, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, ठीक है। आर का मतलब क्या है, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। और लास्ट कौन सा है, एस, यानी सिंपल सिजोफ्रेनिया, सिंपल
सिंपल सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो ये इसके क्या है, इसके अलावा अगर अपन बात करें जैसे एफ सिक्स के बाद में सेवन को आपको छोड़ देना है, एट और नाइन की अगर अपन बात करें, एफ 20.8 और एफ 20.9, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जो एफ 20.9 है इसके अंदर मैक्सिमम जितने भी हैं साइकेटिक डिसऑर्डर उनके अंदर कौन सा आएगा, अनस्पेसिफिक अनस्पेसिफाइड, ठीक है, जितने भी साइकेटिक डिसऑर्डर्स है वो आएंगे, ठीक है, और इसके अंदर कौन से आएंगे, अदर डिसऑर्डर, अदर जितने भी साइकेटिक डिसऑर्डर्स है वो आते हैं, ठीक है, यानी जितने भी हैं नॉर्मली उनके अंदर सभी के अंदर ये आपको सेम देखने को मिलेगा, इनको आपको याद करना है, ठीक है। एफ 20 के अंदर यानी सिजोफ्रेनिया एफ 20 से एफ 29 के अंदर, तो एफ 20 के अंदर कौन सा है, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो एफ 20.0 के अंदर कौन सा होगा, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है, आपको याद कर लेना है। याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, PSC UP राजस्थान स्टेट, क्या याद करना है, PSC UP राजस्थान स्टेट, अगर इतना सा आपने याद कर लिया तो क्या याद हो गए, जितने भी सिजोफ्रेनिया का क्लासिफिकेशन है वो पूरा आपको याद हो जाएगा, PSC UP राजस्थान स्टेट, ठीक है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। F20.1 के अंदर कौन सा आएगा, हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, F20.2 के अंदर कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है, F20.3 के अंदर अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, F20.4 के अंदर पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, ठीक है, F20.5 के अंदर रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, और F20.6 के अंदर कौन सा आएगा, सिंपल सिजोफ्रेनिया आएगा। तो ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन, इन सभी को, इसके अलावा F28 के अंदर अदर और F29 के अंदर अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो ये हुआ इसके क्लासिफिकेशन, इन सभी जितने भी क्लासिफिकेशन उन सभी को एक एक को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से इसके अंदर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हेबिफ्रेनिक में क्या होता है, केटाटोनिक के अंदर क्या होता है, इसके इससे सभी के ये जितने भी हैं साइकेट्रिक सिजोफ्रेनिया के जितने भी क्लासिफिकेशन हैं इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के बारे में, ये आप देख लीजिए, लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, ये कैसा है, मोस्ट कॉमन टाइप है, क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। इसके अंदर आपको फॉल्स आइडियाज, पर्सन के अंदर कौन कौन से आइडियाज देखने को मिलेंगे, फॉल्स आइडियाज है वो क्या होंगे, देखने को मिलेंगे, यानी फॉल्स आइडियाज देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा पर्सन के अंदर डेल्यूजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करें डेल्यूजन, तो डेल्यूजन भी कौन सा, अगर पूछ ले कि आपको स्पेसिफिक डेल्यूजन इसके अंदर कौन सा होगा पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर, तो कौन सा बताओगे, परसिक्यूएशन, ठीक है, कौन सा होता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूएशन, कौन सा डेल्यूजन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूएशन है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो ऑनसेट है वो कैसे होता है, ग्रेजुअली होता है,
ऑनसेट कैसे होता है इसका, ऑनसेट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली क्या होती है डिजीज़, यानी धीरे धीरे ये क्या करती है डिजीज़ है वो प्रोग्रेस करती है, ठीक है, यानी अपन बोल सकते हैं कैसी होती है क्रोनिक, ग्रेजुअली है यानी धीरे धीरे अगर क्या कर रही है कोई भी डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है तो वो कौन सी होती है क्रोनिक होती है, यानी इसका ऑनसेट कैसा होगा ग्रेजुअली होती है, ठीक है, इसके अंदर डेल्यूजन प्रजेंट देखने को मिलेगा पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है, डेल्यूजन के अंदर भी कौन सा डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूएशन मेनली देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कौन सा है पैरानोइड है, ठीक है, तो कौन सा डेल्यूजन परसिक्यूएशन, ठीक है, और इसके अंदर फॉल्स आइडियाज, ठीक है, डेल्यूजन, डेल्यूजन किसे बोलते हैं फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ठीक है, डेल्यूजन का मतलब क्या होता है आपको बताया हुआ है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ठीक है, यानी फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ झूठा विश्वास होता है किसी भी पर्सन को क्या होता है झूठा विश्वास होता है फिक्स्ड, और कैसा होता है फिक्स्ड विश्वास होता है, ठीक है, जैसे अगर अपन एग्जांपल की बात करें जैसे कोई भी अगर कौन सा पर्सन है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का पर्सन है उसके अंदर कौन सा जैसे कौन सी कंडीशन है डेल्यूजन की कंडीशन है, ठीक है, तो डेल्यूजन के अंदर पर्सन को क्या होगा फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है, ठीक है, यानी अगर कोई भी दो चार लोग हैं वो वहाँ पे क्या है ग्रुप बना करके अगर क्या है खड़े हैं तो उसके माइंड के अंदर जो जिसके क्या है डेल्यूजन है उसके माइंड के अंदर क्या आएगा वो कैसे थिंकिंग करेगा फॉल्स फिक्स्ड बिलीव थिंकिंग करेगा, जिसके अंदर वो सोचेगा कि ये मेरे बारे में क्या कर रहे हैं मुझे मारने की क्या कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं या मुझे नुकसान पहुँचाने की क्या कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो तो अपनी क्या कर रहे हैं बातें कर रहे हैं जो ग्रुप बना के खड़े हैं, ठीक है, लेकिन जिसके डेल्यूजन है उसको कैसा लगेगा कि मेरे लिए ही वो क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं मुझे ही मारने की क्या कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कैसा उसको बिलीव होगा उसको उसको कैसा बिलीव है, और बिलीव भी कैसा होता है पर फिक्स होता है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में ही कर रहे हैं, हैं जो भी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में ही कर रहे हैं या मुझे मारने की क्या कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है गलत विश्वास होता है, ठीक है, इस प्रकार के पर्सन जिसके अंदर डेल्यूजन, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको अपन कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूएशन जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा फॉल्स आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगर अपन इसकी एज की बात करें कि जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया वो कौन से एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है तो मैंने अभी जैसे सिजोफ्रेनिया ज़्यादा होता है 15 to 25 ईयर एज के अंदर तो पैरानोइड जो सिजोफ्रेनिया है वो भी आपको किसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा जो कौन सी एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा 15 से 25 साल की एज के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये तो कौन सा है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है, या अपन इसके अंदर एक चीज़ अपन और देख सकते हैं जैसे जो अगर इसके ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें इसके ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा इसके अंदर क्या हो रहा है देख से माइंड क्या हो रहा है पर्सन का अफेक्ट हो रहा है यानी थिंकिंग क्या हो रही है कैसी है अल्टर्ड है थिंकिंग, ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या दे सकते हैं पर्सन को ECT दे सकते हैं, ECT क्या होगी ECT क्या होगी इफेक्टिव होगी, यानी अगर पैरानोइड सिजोफ्रेनिया वाले पर्सन को अपन क्या देंगे ECT देंगे, ECT क्या होती है इसके अंदर इफेक्टिव होती है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया से रिगार्डिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड टाइप की, सेकंड टाइप कौन सा था याद नहीं रहे तो फॉर्मूला लिख लिया करो PSC UP राजस्थान स्टेट, ठीक है, पैरानोइड हैबी फ्रेंड कौन सा है हैबी फ्रेंड। सेकेंड टाइप की अपन बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सेकेंड कौन सा होगा हैबी फ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, हैबी फ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है पर्सन जो है वो कैसे हो जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, क्या हो जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ है वो क्या नहीं होती है फिक्स्ड नहीं होती डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है पर्सन कैसा होता है ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है यानी क्या हो जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, यानी पर्सन कैसा बिहेव इसके अंदर कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे
ठीक है, जैसे पर्सन क्या करेगा, वैंडरिंग, ठीक है। वैंडरिंग का मतलब क्या है, यानी एक जगह नहीं रखेगा, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर क्या करता रहता है, घूमता रहता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। यानी कभी यहाँ पे है, कभी दूसरी ओर कहीं जगह चला जाता है, फिर दूसरी जगह, यानी क्या करता रहता है, घूमता रहता है, वैंडरिंग करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड होता है पर्सन, कैसा होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, जो पर्सन का जो बिहेव है वो कैसा होगा, पर्सन चाइल्ड, बच्चे के जैसे क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। पर्सन बिहेव चाइल्ड, ठीक है, यानी बच्चे के जैसे क्या करता है, इस पर जो पर्सन है उसका बिहेव कैसा होता है, बच्चे के जैसा होता है, ठीक है। ये जो इसको क्या नहीं होता है, ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया क्या कैसा है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। यानी किसी भी कोई किसी भी चीज़ का उसको क्या नहीं है, सेंस नहीं है, पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सिबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो अपने सेक्स ऑर्गन से उनको क्या करते थे, एक्सिबिशन करते हैं, ठीक है, एक्सिबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो और सेक्स ऑर्गन है उनको क्या करते हैं, एक्सिबिशन कर देते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो आपको जो मास्टरबेशन है वो देखने को मिल सकता है, जैसे मास्टरबेशन, ठीक है, मास्टरबेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इनका जो हाइजीनिक पैटर्न है, जो हाइजीन है वो कैसा होता है पर्सन का, अनहाइजीनिक होता है, यानी लैक ऑफ हाइजीन। पर्सन का जो हाइजीनिक पैटर्न है वो कैसा होता है, हाइजीन है वो ठीक नहीं होता है, कमी होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो पर्सन है वो कैसे करता है, फिंगर बाइटिंग के जैसे करता है, क्या करता है, फिंगर बाइटिंग, ठीक है। यानी कभी क्या करने लग जाता है, बैठे बैठे ही फिंगर बाइटिंग करने लग जाता है, ठीक है, फिंगर बाइटिंग करता है, स्टूल यूरिन है, स्टूल पास करता है इन क्लॉथ्स के अंदर, ठीक है, यूरिन एंड स्टूल पास इन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के अंदर ही क्या करने, क्या कर देता है, यूरिन और स्टूल है उनको क्या करते हैं, पास करता है, ठीक है। और डोंट, इनको क्या नहीं होता है, खाने का भी सेंस नहीं होता है, डोंट सेंस ऑफ ईटिंग, डोंट सेंस ऑफ ईटिंग, ईटिंग का इनको क्या नहीं होता है, सेंस नहीं होता है, ठीक है। कैसे खाना है, कैसे बैठना है, बैठने का भी कोई इनके अंदर क्या नहीं होता है, सेंस नहीं होता है, ठीक है। ये जो पर्सन होते हैं इनका जो बिहेवियर हो कैसा होता है, बिजार बिहेवियर, बिजार, ठीक है, क्या होता है, बिजार, BIA, बिजार बिहेवियर, कैसा बिहेवियर होता है इनका, बिजार बिहेवियर। बिजार बिहेवियर का मतलब क्या है, या बिजार बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं ओड, ठीक है, यानी अजीब सा ही, कैसा होता है, अजीब, ये विचित्र सा क्या होता है इनका बिहेव होता है, ठीक है। और अगर अपन इसके प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसका जो प्रोग्नोसिस है, हेबिफ्रेनिक जो सिजोफ्रेनिया, इसका प्रोग्नोसिस है वो कैसा होता है, पुअर, प्रोग्नोसिस पुअर, ठीक है, प्रोग्नोसिस कैसा होता है इसके अंदर, इसका पुअर होता है, ठीक है। अगर अपन इसके एज ग्रुप की बात करें कि ये जो हेबिफ्रेनिक जो सिजोफ्रेनिया है वो ज़्यादा कौन से एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो 20 से 25 ईयर ऑफ एज के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर एज की बात करें तो 20 to 25 ईयर ऑफ एज, ठीक है, इस एज ग्रुप के अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। तो यानी हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, जो पर्सन है वो कैसा होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी कोई भी काम है उसका क्या नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। वैंडरिंग करता रहता है चारों तरफ, क्या रहता है, क्या करता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। पर्सन है बिहेव एज ए चाइल्ड, कि बच्चे के जैसे क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। ऐसे जो पर्सनस हैं उनको किसी प्रकार का सेंस तो है नहीं, ठीक है, तो एक्सिबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, दूसरे जो लोगों के सामने क्या करता है, जो अपने जो सेक्स ऑर्गन है उनको
एक्सपोज करता है, ठीक है। मास्टरबेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो लैक ऑफ हाइजेनिक, इन जो ये जो पर्सन है इनकी जो हाइजेनिक कंडीशन है वो कैसी होगी, लैक होगी, ठीक है। फिंगर बाइटिंग करेंगे, ठीक है। यूरिन एंड स्टूल पास इन क्लॉथ्स के अंदर ही यूरिन और स्टूल पास करते हैं। डोंट सेंस ईटिंग, ना तो इनको खाने का सेंस है, ना ही इनके अंदर बैठने का, ठीक है, ना ही किसी से बात करने का। बिजार बिहेवियर, इनका बिहेवियर कैसा होता है, बिजार या अपन बोल सकते हैं ओड टाइप का क्या होता है बिहेवियर, जिसे अपन बोल सकते हैं जैसे विचित्र या अजीब सा ही क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, उससे क्या बोलेंगे। ये अगर ऐसे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, किस टाइप का सिजोफ्रेनिया होगा, उसको एपिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया आपको देखने को मिलेगा। एज ग्रुप की बात करें, प्रोग्नोसिस कैसा होगा, पुअर, और एज ग्रुप ज़्यादातर कौन सी एज के अंदर देखने को मिलेगा, 20 to 25 ईयर ऑफ एज के अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये था एपिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। थर्ड टाइप है इसका कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की इसके अंदर क्या होगा, देखो कैटाटोनिक यानी किसकी बात कर रहे हैं, टोन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, टोन की, यानी जो मसल्स टोन है किसकी, इसके अंदर जो पर्सन की जो मसल्स टोन है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब मसल्स टोन, ठीक है, कैटाटोनिक, ठीक है। कैटा वर्ड किसके लिए आता है, मसल्स के, और टोन इसकी, मसल्स की जो टोन है वो क्या हो जाती है इसके अंदर, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। पर्सन की जो मसल्स टोन है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ऑनसेट, इसका जो ऑनसेट है वो कैसा होता है, सडन होता है, सडन ऑनसेट, ऑनसेट आपको कैसा देखने को मिलेगा, सडन। और कौन सी एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, 15 to 25 ईयर एज के अंदर। अगर एज की बात करें तो 15 to 25 ईयर एज, 15 से 25 ईयर की एज के अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मेनली किससे रिलेटेड है, यानी जो मसल्स टोन है, मसल्स टोन है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब डिस्टर्ब हो रही है तो वो दो तरह से डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसके अंदर क्या हो रही है, मसल्स टोन है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, स्टूपर की भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, और एक्साइटमेंट की भी देखने को मिल सकती है। तो जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है इसको अपन टू टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा है, कैटाटोनिक स्टूपर, और सेकेंड है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं कैटाटोनिक स्टूपर, और सेकंड है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, ठीक है। तो जो कैटाटोनिक स्टूपर इसके अंदर क्या होता है, स्टूपर का मतलब क्या है, जिस पर्सन अगर जिस पोजीशन में होगा, पोजीशन उसी पोजीशन के अंदर क्या हो रहता है, कंटिन्यूअस बना रहता है, ठीक है, उसी पोजीशन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, वैक्सी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अवॉइड पेनफुल स्टिमुलाई, जो पेनफुल स्टिमुलाई है वो क्या होती है, इसके अंदर पर्सन क्या करता है, अवॉइड करता है, ठीक है। यानी एक पोजीशन के अंदर क्या हो जाता है, पर्सन अगर सीट बैठ गया है तो उसी पोजीशन के अंदर कंटिन्यूअस रहता है, यानी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई का यूज़ में ले रहे हैं तो उसको पर्सन क्या करता है, अवॉइड करता है, ठीक है। यानी उसको किसी भी प्रकार का पेन है वो फील नहीं होता है, किसके अंदर, स्टूपर के अंदर, एकदम स्टूपर हो जाता है, ठीक है। मसल्स टोन है वो कैसी हो जाती है, डिस्टर्ब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। कैटाप्लेक्सी की कंडीशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी,
कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी का मतलब क्या है? लेक ऑफ, लेक ऑफ मसल, मसल स्टोन, जो मसल स्टोन है वो क्या हो जाती है इसके अंदर कम हो जाती है, लेक ऑफ मसल स्टोन, मसल स्टोन की क्या हो जाती है यहाँ पे कमी हो, मसल स्टोन है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, ठीक है, मसल स्टोन या कैटाप्लेक्सी की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी ऐसे पर्सन के अंदर, जैसे जो कैसे हैं स्टूपर है, ठीक है, इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, सुसाइडल टेंडेंसी, ठीक है, कौन सी सुसाइडल टेंडेंसी है वो क्या होगी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, हेल्यूसिनेशन आपको देखने को मिलेगा इनके अंदर, हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन भी कौन सा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है वो इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कौन सा था कैटाटोनिक स्टूपर, जिसके अंदर पर्सन एक ही पोजीशन के अंदर बना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा, पर्सन को अगर पेनफुल स्टिमुलाई भी अगर देंगे तो पर्सन उसको क्या करेगा अवॉइड करेगा, कैटाप्लेक्सी देखने को मिलेगी, यानी जो मसल स्टोन है वो कैसी होगी लेक होगी, और सुसाइडल टेंडेंसी है वो आपको इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी, और हेल्यूसिनेशन वो देखने को मिलेगा कौन सा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन भी कौन सा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है वो देखने को मिलेगा, यानी जितने भी इसके अंदर सिम्टम्स है वो कैसे देखने को मिलेंगे, जैसे एक डिप्रेशन वाले पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं वैसे इसके अंदर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप इसका कैटाटोनिक स्टूपर, सॉरी एक्साइटमेंट, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट इसके अंदर कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे पर्सन कैसा है मेनिया का पेशेंट है, यानी इसके अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो कैसे देखने को मिलेगी ज़्यादा हो देखने को मिलेगी, एक्साइटमेंट है तो इंक्रीज, यानी मसल स्टोन कैसी होगी ज़्यादा एक्साइटेड होगी, मसल स्टोन क्या होगी डिस्टर्ब हुई है यानी बढ़ गई है, मसल स्टोन ज़्यादा हो गई तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंक्रीज साइको मोटर एक्टिविटी, तो साइको मोटर एक्टिविटी है वो क्या होगी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि मसल स्टोन क्या हो गई है ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है जो पर्सन है वो सडनली एक्साइटेड हो जाता है, सडनली एक्साइटेड पर्सन है वो क्या हो जाता है ज़्यादा सडनली क्या हो जाता है अचानक से एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका अगर अपन एग्जांपल की बात करें एक्साइटमेंट की, जैसे किसी भी पर्सन को क्या देनी है कोई भी मेडिकेशन देनी है, ठीक है, अगर मेडिकेशन देनी है तो नर्स जैसे ही उसको मेडिकेशन देती है तो अचानक से क्या हो जाता है पर्सन एक्साइटेड हो जाता है, और वहाँ पे जो जितने भी आर्टिकल्स हैं जो भी मेडिकेशंस हैं उनको क्या कर देता है वो फेंक देता है, ठीक है, या उनको सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जितने भी आर्टिकल्स हैं डिस्ट्रॉय आर्टिकल्स एंड मेडिकेशन, मेडिसिन जो भी मेडिसिन या आर्टिकल्स हैं जो भी उसके आसपास के जो भी आर्टिकल्स मेडिकेशंस हैं उन सभी को वो क्या कर देते हैं डिस्ट्रॉय, क्योंकि अचानक से क्या होता है पर्सन एक्साइटेड हो रहा है, सडनली क्या हो जाता है एक्साइटेड है, मसल स्टोन है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और पर्सन अगर एक्साइटेड हो जाता है तो वो क्या कर लेते हैं जो अपने क्लोथ्स हैं उनको क्या कर देते हैं फाड़ देते हैं, टीयरिंग क्लॉथ्स, ठीक है, टीयरिंग क्लॉथ्स, पर्सन के जो क्लॉथ्स हैं वो अपने क्लॉथ्स हैं उसको क्या कर देते हैं टीयर कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे जो पर्सन है वो क्या कर सकते हैं खुद को इंजर्ड कर सकते हैं और दूसरों को भी क्या कर सकते हैं इंजर्ड, यानी सेल्फ इंजर्ड, सेल्फ एंड अदर, खुद को और दूसरों को क्या करते हैं क्या कर सकते हैं इंजर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कैसे एक्साइटमेंट के सिम्टम्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर अपन किसकी बात करें डेल्यूजन की अगर बात करें, ठीक है, तो इनके अंदर डेल्यूजन देखने को मिलेगा आपको, डेल्यूजन भी कौन सा ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी पर्सन अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगता है, यानी ऐसा सोचता है कि जो भी हूँ मैं भी हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है,
डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। फ्लाइट ऑफ आइडियाज के सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे, यानी एक टॉपिक से अनदर टॉपिक के ऊपर क्या हो जाता है, पर्सन ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अभी किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था, थोड़ी देर में दूसरे टॉपिक के ऊपर क्या करता है, बात करने लग जाता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। ठीक है, तो ये इसके अलावा अपन अगर बात करें तो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट की अगर अपन इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो ECT है वो कैसी होती है, इफ़ेक्टिव होती है। ट्रीटमेंट ECT इफ़ेक्टिव कैसी होती है, ECT है वो कैसी, मोस्ट इफ़ेक्टिव, ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कौन सा था, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर पर्सन क्या होता है, पर्सन की जो मसल स्टोन है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, कौन सी एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा, 15 से 25 ईयर की एज के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, सडनली ऑनसेट होता है। ठीक है, अचानक से ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर अपन इसके अंदर क्या हो रही है, मसल स्टोन है, डिस्टर्ब हो रही है तो या तो डिप्रेस होगी या क्या होगी, एक्साइटेड होगा मसल। ठीक है, तो दो तरह से अपन इसको पढ़ेंगे, एक तो कैटाटोनिक स्टूपर और एक कौन सा होता है, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। स्टूपर के अंदर क्या होता है, पर्सन है एक ही पोजीशन के अंदर बना रहता है, वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, पर्सन को अगर कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई दें तो उसको वो क्या करता है, अवॉइड करता है। कैटाप्लेक्सी की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी मसल स्टोन है वो कम हो जाएगी। ऐसे पर्सन के अंदर सुसाइडल जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और अगर हेलुसिनेशन की बात करें तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, मेनली कौन सा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं किसकी, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट के सेकेंड टाइप। ठीक है, इसके अंदर पर्सन कैसे बिहेव करेगा, कैसा होगा, एक्टिविटी कैसी होगी, मैनिक जैसे कैसा पेशेंट है, मेनिया का जैसे पेशेंट है उसके जैसे इसके अंदर क्या होगी, पर्सन की एक्टिविटी होगी। ठीक है, यानी इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, पर्सन की बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सडनली क्या हो जाता है, पर्सन एक्साइटेड हो जाता है, अचानक से एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉयड आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स हैं उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सभी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, क्योंकि अचानक से वो क्या हो जाता है, पर्सन एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, टीयरिंग, अपने क्लोज हैं उनको क्या कर देता है, टीयर कर लेता है। ठीक है, खुद को दूसरों को क्या पहुंचा सकते हैं, ऐसे पर्सन इंजर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर पर्सन अपने आप को बड़ा आदमी समझता है, जैसे वो समझता है कि जो कुछ हूँ मैं क्या हूँ, मैं ही हूँ। ठीक है, डेल्यूजन होता है इनके अंदर। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, और इनका जो ट्रीटमेंट है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का, इसके अंदर ECT कैसी है, मोस्ट इफ़ेक्टिव। अपन ECT इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये था थर्ड कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ये आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप है इसका अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। चार अपन पढ़ रहे थे, पी एस सी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं यूपी की, तो यू के अंदर यू कौन सा है, अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, इसके अंदर यानी नाम से पता चल रहा है, देखो
अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, अनडिफ्रेंशिएटेड किसी से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएंगे, यानी जितने भी अपन ने सिजोफ्रेनिया पढ़े जैसे पढ़ा है, पैरानोइड, हेबिफ्रेनिक, कैटाटोनिक, ऊपर जितने भी सिजोफ्रेनिया पढ़े हैं, इन सभी के ग्रुप, जितने भी इनके सिम्टम्स हैं वो मिला करके सारे किसके अंदर देखने को मिलेंगे, एक पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पैरानोइड के जैसे भी करता है, हेबिफ्रेनिक के जैसे भी करता है, कैटाटोनिक के जैसे भी करता है, कभी एक्साइटेड हो जाता है पर्सन, कभी डिप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, कभी इसके अंदर, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है पर्सन, ठीक है, हेबिफ्रेनिक के देखने को मिलेंगे, पैरानोइड, डेल्यूजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे इनके जितने भी सभी के सिम्टम्स से मिलाकर के अगर आ रहे हैं किसी एक पर्सन के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते या अलग नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या होंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं क्या, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है इसके अंदर आपको प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जैसे इसके अंदर हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर आपको हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको डेल्यूजन देखने को मिलेगा, यानी पर्सन के अंदर डेल्यूजन भी होगा, हेलुसिनेशन भी होगा, ठीक है, एक्साइटमेंट भी होगा पर्सन, एक्साइटमेंट, ठीक है, पर्सन एपैथी भी होगा, पर्सन के अंदर एपैथी भी देखने को मिलेगी, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, और लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी जितने भी सिजोफ्रेनिया हैं, ठीक है, इन सभी के सिम्टम्स वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक छोटा सा था अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पी, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ टाइप, पोस्ट सिजोफ्रेनिक, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सिजोफ्रेनिया के बाद में पर्सन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। इस पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन का मतलब क्या है, पर्सन पहले किससे सफर्ड कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन से सफर्ड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको अपन ने ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन कम्प्लीटली क्या नहीं हो पाया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। तो पर्सन दोबारा से आ जाता है, तो वो अगर दोबारा से आ जाता है तो वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है, कि ये ऐसे कौन सी डिजीज़ हो गई है या कौन सी बीमारी हो गई है जो क्या नहीं हो रही है, ठीक ही नहीं हो रही है। अगर ऐसी थिंकिंग करेगा तो वो डिप्रेस्ड होगा, तो डिप्रेस्ड होगा तो वैसे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। अगर पर्सन को इमोशंस, बिहेवियर, ठीक है, मूड अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया। तो वो कौन सा होगा, किस टाइप का सिजोफ्रेनिया होगा, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। सिजोफ्रेनिया के बाद में पर्सन क्या हो रहा है, किस कंडीशन के अंदर जा रहे हैं, डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, ठीक है। ये हो गया कौन सा, पीएससी यूपी। अब अपन बात करते हैं आरएस, राजस्थान स्टेट की। इसका जो टाइप है वो कौन सा है, आर, आर का मतलब कौन सा है, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, सिक्स नंबर सिजोफ्रेनिया। रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होते हैं, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, ये सिजोफ्रेनिया की कौन सी स्टेट है, क्रोनिक स्टेट, ठीक है, क्रोनिक फॉर्म है। रेजिडुअल अगर सिजोफ्रेनिया की बात करें तो कौन सी फॉर्म है, ये क्रोनिक फॉर्म है, क्रोनिक फॉर्म ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया की कौन सी फॉर्म है, क्रोनिक फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, पर्सन की जो सोशल रिकवरी है वो तो हो जाती है, लेकिन सिम्टम्स है वो क्या नहीं होते हैं, रिमेन रहते हैं। सोशल रिकवरी, सोशल रिकवरी,
सोशल रिकवरी तो हो जाती है, लेकिन क्या नहीं होते हैं जो सिम्टम्स हैं, बट सिम्टम्स सिम्टम्स रिमेन, यानी पर्सन के अंदर जो सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो रह जाते हैं, लेकिन क्या हो जाती है सोशल रिकवरी है वो क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर पर्सन है वो मोटिवेशन, मोटिवेशन की क्या होती है कमी होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन पर्सन के अंदर, पर्सन कैसा होता है मोटिवेशन है उसके अंदर, मोटिवेशन की क्या होती है कमी होती है, यानी एपैथी आपको देखने को मिल सकती है, एपैथी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे इसके अंदर सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, किसके अंदर रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, ठीक है। यानी अपन बोल सकते हैं कि जो इस टाइप का जो सिजोफ्रेनिया है इसके अंदर पहले तो कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, मेजर सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में पर्सन के अंदर कौन से सिम्टम्स आते हैं, जैसे जनरल फीचर्स है वो क्या होते हैं प्रजेंट होते हैं। फर्स्टली तो मेजर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, मेजर सिम्टम्स, लेकिन बाद के अंदर कैसे हो जाते हैं जनरल, जनरल फीचर्स फीचर्स जनरल फीचर्स वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। किस फॉर्म के अंदर होती है, क्रोनिक फॉर्म होता है रेजिडुअल जो सिजोफ्रेनिया है वो कैसा फॉर्म है, सिजोफ्रेनिया का एक क्रोनिक फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर जो सोशल रिकवरी है वो तो क्या हो जाती है, ठीक है, सोशल रिकवरी तो हो जाती है, लेकिन सिम्टम्स है वो कैसे होते हैं रिमेन रहते हैं, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, एपैथी देखने को मिलेगी, यानी अपन बोल सकते हैं कि जो मेजर सिम्टम्स है वो पहले अपीयर होते हैं लेकिन बाद के अंदर क्या हो जाते हैं जनरल फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं। अगर इस टाइप का सिजोफ्रेनिया है तो उसे अपन क्या बोलते हैं रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। लास्ट में रह गया एस, ठीक है, एस मतलब सिंपल सिजोफ्रेनिया, 7 नंबर है सिंपल सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया, ठीक है। सिंपल सिजोफ्रेनिया अगर इसकी अगर अपन बात करें तो ऑनसेट कैसा होगा इसका, सिंपल सिजोफ्रेनिया तो ऑनसेट कैसा होगा ग्रेजुअली होता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं, ऑनसेट ग्रेजुअली होता है, ठीक है, यानी धीरे धीरे होता है, क्रॉनिक होता है, ये भी कैसा होता है क्रॉनिक, यानी जो भी डिजीज़ कंडीशन हो वो धीरे धीरे क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है सिंपल है, ठीक है। तो हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन ये कैसे होंगे, बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, रेयर कंडीशन के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया है वो कैसे देखने को मिलेंगे, ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स इंक्रीज, नेगेटिव सिम्टम्स वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कौन सी एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, 15 से 20 साल की उम्र के अंदर, एज एज की अगर अपन बात करें तो 15 टू 20 ईयर ऑफ एज, 15 से 20 साल की एज के अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। नाम से पता चल रहा है सिंपल सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या है, ऑनसेट तो कैसा होगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे डिजीज़ है वो क्या करेगी प्रोग्रेस करेगी, यानी क्रॉनिक होगा। हेल्यूसिनेशन और डेल्यूजन है वो कैसे होंगे, बहुत ही कम चांसेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही रेयर होंगे, नेगेटिव सिम्टम्स है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एज है वो कैसे, कौन सी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, 15 से जो 20 साल की एज है उनके अंदर भी वो क्या होती है, 15 से 20 साल की एज के अंदर ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा टाइप क्या हो गया इसका क्लासिफिकेशन, किसका सिजोफ्रेनिया का, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया क्लासिफिकेशन के अंदर कौन किन किन के बारे में अपन स्टडी की, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, एबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया और लास्ट सिंपल सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने स्टडी करी
तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने स्टडी कर ली इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि सिजोफ्रेनिया का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन और सिजोफ्रेनिया का जो मीनिंग है वो सारा इसी के अंदर आ गया। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के बारे में देखा अपन ने। इसके बाद में अपन ने पढ़ा इसके प्रिविलेंस, ठीक है, प्रिविलेंस क्या क्या, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर, ईटियोलॉजी के बारे में अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में अपन ने बात की इसके क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इन सब के बारे में अपन ने क्या किया, स्टडी की। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो अपन उसके अंदर इसका जो सेकंड पार्ट उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, इसके यानी कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, डायग्नोसिस क्या क्या है, कैसे अपन इसका पता लगाएंगे और कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी मैनेजमेंट के बारे में अपन क्या करेंगे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।